अच्छा जी, फ्री रियाना पार्क है ना, बंदा वाकई बड़ा सोना लग रहा है, इसीलिए हम एक कोशिश करते हैं कि इसको ना वापस रख देते हैं। कोई पता नहीं कब क्या कर दे। ओए होए होए होए, मारू आया ही, दिल धक धक करने लग गया यार, ये गाड़ी पीछे कर रहा है। अन्य वाह जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो का आगाज करते हुए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सबसे कोई बोलने वाली चीज नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे हालात में इंसान को लाजम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये हमारे पहलवान साहब हैं, इनको मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लिहाजा इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सीख रहे हैं और चलो बहुत जल्द ये जो है ना एक बहुत अमीर कबीर इंसान के भाई बन जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, अमीर कबीर। हाँ बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे बारे में भी कह सकते हैं कि मैं अमीर कबीर इंसान का भाई बन जाऊंगा। और अभी हम सारी काम छोड़ के सबसे पहले हम खाना लेंगे और खाना खाएंगे, जो सबसे मेन काम होता है। ये हम कराची होटल पे आ चुके हैं, कराची रेस्टोरेंट पे, जैसे हम खाना वाना लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी दो वीडियो इस पे बना चुका हुआ हूँ, तो इनका खाना अच्छा होता है। दोस्त है मना, दोस्त पहली वाली करो, दोस्त उधर आदमी लोग बैठा हुआ है तो तुम आप। तो जी, वीडियो के शुरू में जैसे आपने देखा कि सलीम की कुछ झड़प हो गई थी पीछे वो आदमी से, तो वो बंदा जो है ना वो सलीम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन सलीम कहता है कि नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं। ये अभी भी देखो मैं पीछे आ रहा बंदा, लेकिन कोई पता नहीं कब क्या कर दे। ओए होए होए होए, मारू आया ही, दिल धक धक करने लग गया यार, ये गाड़ी पीछे कर रहा है। अन्ने वाह सलीम, यार आप बताओ यार, ये कोई तरीका कार है? ओ सुना सलीम, नहीं वोटो नहीं बना, वो सुना सलीम, ये दोस्त है पर अच्छा नहीं है इतने। क्यों अच्छा नहीं है? क्या है सलीम इसको? ये मिट्टी खाता है? इधर बोलो ना। और सुना सलीमा तो गोथा गोथा गई। कभी कभी ना यार इंसान अपनी महसूस करने वाली जो हिस होती है ना, उसको इंसान बड़ी दूर छोड़ देता है, उसको महसूस करना ही छोड़ देता है कि इंसान के अंदर एक हिस भी है जिससे इंसान को महसूस होता है। कभी किसी दर्द को, किसी तकलीफ़ को, किसी सिचुएशन को इंसान महसूस ही नहीं करता। किसी दूसरे बंदे के बारे में सोचना या किसी दूसरे बंदे को सोचना बंदे के लिए बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। मकसूद भाई की तो सीढ़ियाँ बिकती हैं। मकसूद भाई इधर तो देखो, बड़ा प्यारा रिजल्ट आ रहा है। ओए ओए ओए, एक तो आपकी स्माइल और ऊपर से सलीम का मुस्कुराना। सलीम इधर देखो जरा, हाथ ला दो कैमरे में, प्रैंक हो गया। सलीम की काफी और कोशिशों से हम जो है ना आज पैसे जमा करने की वजह से ना सलीम कहने दे रहा है एक धर्म के। अबे साले, बहुत बड़ी मदद हो गई सलीम। सलीम कितने अरसे के बाद केले खाने लगे आप? चार दिन के बाद। सलीम आप जानते हैं कि बांदर केलों के बगैर नहीं रह सकते, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। लेकिन देख ले, इन चार दिन निकाल लिए, हमेशा जो है ना वो देखे तीन तीन चार चार केले उठाते हैं। और बहुत जो है ना, बेशक देर हो बेशक जल्दी हो, लेकिन कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। इसलिए सलीम चार दिन जमा पैसे जमा करने के बाद, जमा पूंजी करने के बाद आज सलीम ने आखिरकार तीन केले खरीदे। अच्छा, ये नहीं चाहता कि इनके केले जाया जाए, रायका जाए, ठीक है। ये देखें जरा, सलीम साहब ने तीन केले सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना खा दिए, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि सलीम के साथ कोई शर्त लगा के केले खा ले, सलीम से कोई नहीं जीत सकता। सलीम इधर देखो जरा,
देखे केले खाने के बाद इसके चेहरे पे रौनक सोनक सी आ जाती है। इसका मतलब यही है कि इसको केले खाने की रेस में कोई नहीं हरा सकता। इंशाल्लाह एक बंदा ढूंढते हैं जिनके साथ इनकी रेस लगाएंगे केले खाने में, तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट की जरूरत होगी। तो इंशाल्लाह हम पैसे जमा करते हैं पहले, फिर उसके बाद इनकी शर्त लगवाएंगे सबसे ज्यादा केले कौन खाता है। ओके सलीम,